तो गाइस वेलकम बैक टू द फास्ट फिंगर्स चैनल। और आज हम खेलने वाले एक बहुत ही अजीब लेकिन उम्दा, पता नहीं वैसे उम्दा नहीं पता, लेकिन हॉरर गेम। और स्टार्टिंग से ही आप इसका म्यूज़िक देखिए, काफ़ी डीप सा खतरनाक सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये गेम अच्छी होने वाली है। बाकी देखते हैं, बहुत टाइम बाद मैं एक हॉरर गेम खेल रहा हूँ। हॉरर वैसे ये मैंने अब जितना मैंने रिसर्च किया, हॉरर से ज़्यादा सिमुलेशन गेम ज़्यादा है ये। तो सिमुलेशन गेम मैं बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ, बट देखते हैं क्या बनता है इस गेम का। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो ऐसे गेम स्टार्ट हो रही है, बारिश हो रही है और ये आ गई हमारी गाड़ी, आ चुकी है। चल रहे हैं हम अनजान रास्ते पे, मतलब अनजान रास्ते पर जाना बहुत ज़रूरी। और ये हो गया स्किड, ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में हो गया एक्सीडेंट, क्योंकि सामने खड़ा था कोई। और ये कोई कौन है ये पता नहीं, क्योंकि वो जो हो चुका है गायब। गेम का नाम है हॉन्टेड मैनर 2। तो अब होगी गेम स्टार्ट। तो गेम को कर देंगे हम बिगिन, सिलेक्ट डिफिकल्टी लेवल कर देंगे हम इजी। स्टॉर्म इज टेरिफाइंग, आई थिंक इट्स बेटर टू फाइंड शेल्टर फॉर द नाइट। द संकन इन टू द ग्राउंड, लेट मी सी इफ आई कैन ओपन इट। तो कोई ट्रैप डोर है, तो ये मुझे लग रहा है इसमें हमें चलना नहीं है, बट इसमें हमें पजल सॉल्व करनी है। तो देखते हैं क्या पजल सॉल्व करनी है इसमें। अच्छा, ये जो है वो मैकेनिज्म है एक लीवर का, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैकेनिज्म फॉर लीवर। तो इसके लिए आई थिंक हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा आसपास, जो हमें दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल, बट कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे हम। बारिश क्योंकि बहुत तेज हो रही है इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, खून के दाग इस पे लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, हॉरर गेम हो और उसमें खून ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो खून के दाग तो बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं हर जगह हाथ मार रहा हूँ उसमें, आपको बस ऐसे ही करना पड़ेगा, चलेगी। आगे आगे नहीं चल सकते इसमें। ये डोर है भाई, घर का डोर तो काफी मनाली टाइप वाइब्स दे रहा है, मनाली लग रहा है मुझे तो बिल्कुल। बट इसको खोल के कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टाइल, अरे स्टाइल की तारीफ करने का टाइम है क्या ये? अंदर जाना है भाई हमें, बट फिर अंदर सवाल ये है कि अंदर जाना क्यों है भाई? मतलब जब पता है कि वो हॉन्टेड हो सकती है तो अंदर जाना ही क्यों है? मत जाओ भाई अंदर, थोड़ा सा सब्र करो, है ना, है कि नहीं? और गाइस इस गेम में आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि ये पज़ल कुछ मुझे मिली है, इस पज़ल को सॉल्व करके कुछ हो सकता है, बट वो सॉल्व हुई नहीं। तो मैं लेकिन ये बताना चाह रहा था आपको कि मेरे 100 वीडियोस पूरे हो चुके हैं इस चैनल पे, लेकिन अभी तक जो मेरा गोल था 1000 सब्सक्राइबर्स का नहीं हो पाया है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, क्योंकि दुख होता है यार, दर्द होता है, बहुत एफर्ट लगता है गेम सिलेक्ट करने में, स्टोरी लाइन सोचने में, फिर सोचने में कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं गेम में। खेलने में तो एफर्ट लगता ही है, टाइम लगता है यार। तो प्लीज़ मेरी टाइम की भी थोड़ी कदर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत खुशी मिलेगी। 1000 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए बस, ज़्यादा का मैं आपको गोल दे ही नहीं रहा हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स और 100-200 लाइक्स, बस इससे ज़्यादा गोल मैं दे ही नहीं रहा हूँ आपको। बट सैडली इतना सारी वीडियोस डालने के बावजूद मुझे अभी तक पसंद नहीं किया है शायद लोगों ने। मैं फेस रिवील भी क्योंकि करना तो चाहता हूँ, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है, या फिर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं कर रहे हैं रिस्पॉन्स से। बट मैं डालते जाता हूँ डालते जाता हूँ, होपफुली, क्योंकि मुझे गेमिंग करना पसंद है कैजुअली। और आज है भी सैटरडे, तो सैटरडे को तो मैं गेम्स खेलता ही हूँ, संडे को भी गेम्स खेलता हूँ। तो मैंने सोचा कि गेम्स तो मैं खेलता रहूँगा, बाकी अब आप लोगों के ऊपर ही है कि आपको कितना पसंद आता है गेम की नहीं। बट अभी तक हम लोग अंदर नहीं जा पाए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बाहर से कुछ हो नहीं रहा। अरे यहाँ पे मुझे लेकिन कुछ दिखा है, ये जो बाहर जैसे अगर ये किसी तरह टूट जाए तो ये लीवर बन सकता है कि नहीं, है ना? अगर ये लीवर बन जाए तो हम लोग वो मेन उसको खोल के अंदर तो जा ही पाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ गाइस, मेरा कुछ डिलीवरी आया है। तो ठीक है, आ गया मेरा ऑर्डर। मैंने कुछ मंगाया था केबल्स की मैनेजमेंट के लिए, बट इतना क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है यार,
डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा सा मैं भी, लेकिन ठीक है, गेम खेलते हैं, मज़ा करते हैं, इतना भी लोड नहीं लेना चाहिए लाइफ में। तो मुझे एक चीज़ तो मिली है, तो क्या पता इससे ये चीज़ खुल जाए, आई होप सो। कहीं लगाना पड़ेगा इसको, और आई थिंक खुल जाएगा उससे, उम्मीद तो जागी है मुझे, अब तो होना तो चाहिए सही सीन। बाकी अगर नहीं हुआ अभी भी सही सीन, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, किस्मत ही अगर ख़राब हो तो क्या करेगा इंसान, है कि नहीं? एक सेकेंड गाइस। ओके, तो बारिश अभी भी बंद हुई नहीं है, चले जा रही है बारिश, चले जा रही है बारिश। बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन इस गेम में, तो बारिश तो बिजली भी बंद नहीं हुई है, चल रही है बारिश। बारिश इतनी जल्दी ख़त्म होती भी नहीं है वैसे भी, तो देखते हैं क्या बनता है। तो कोशिश तो अभी भी जारी है, लेकिन मैं अभी इस चीज़ को अटका नहीं पा रहा हूँ, बट आई एम होपिंग कि हो जाए। अरे अटक गया, अब मुझे लगता है अंदर, अरे कहाँ गिर गया भाई? तो हम लोग अंदर आ गए गाइस, और पता नहीं डैम वाटरफॉल, वेयर एम आई, इट कुड बी डेंजरस फ्रॉम हियर, आई शुड फाइंड द आयरन बार जस्ट इन केस। आयरन बार कहाँ गिरा भाई? आयरन बार को ढूंढना पड़ेगा, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लग रही है इस पूरी गेम में भाई। पूरा अंधेरा है यहाँ पे तो खतरनाक। अब तो भैया आ गया, वापस भी नहीं जा सकते, मतलब दिमाग जब काम नहीं कर रहा था ना, तब आप ऐसे डिसीजन लेते हो, ऐसे बेकार डिसीजन। आप जब दिमाग काम नहीं कर रहा था तभी ले सकते हो भाई, सेन माइंड में तो कोई ऐसे डिसीजन लेगा नहीं। तो अगर हमें बाहर भी जाना है तो हमें एक चीज़ चाहिए होगी, मतलब एक सीढ़ी या कुछ चाहिए होगा जिसके ऊपर चढ़ के हम लोग बाहर जा सके, वरना कोई और रास्ता नहीं है। बहुत ऊंचा है क्योंकि ये भाई, आना ही क्यों था मेरे को इसके अंदर, बट फिर वो ही गेम है, गेम है। काफ़ी डरावनी म्यूजिक और काफ़ी खतरनाक सीन, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ चाहिए जिससे ये टूट जाए, ये थोड़ा बड़ा हो जाए। ब्रिक्स को किसी तरह हमें हटाना है, शायद उस डंडे की मदद से हम हटा सकते हैं। एक तो ये फ्लिकर कर रही है लाइट, इस डंडे की मदद से हटा सकते हैं। यही है हमारे पास, आयरन बार फ्रॉम द गेट। हट रही हट रही हट रही है, कम ऑन कम ऑन, यस यस। डंडा बहुत काम की चीज़, बहुत ही काम की चीज़। और हटकी और हटकी, हट जा हट जा। और हम पहुंच गए हैं दूसरे रूम में, ये रूम बड़ा ही खतरनाक सा डिंजी सा है, ऑब्वियसली अंदर है तो फिर डिंजी होगा। पर हमें एक स्टूल मिल गया, स्टूल की मदद से शायद हम कभी ऊपर चढ़ पाएंगे, तो बढ़िया है। रेडिएटर इज़ फॉलिंग अबाउट, इट्स नॉट वर्किंग, दिस पेपर्स आर कवर्ड विद ड्राइंग्स एंड स्ट्रेंज सिम्बल्स। किसी चीज़ का कोड लग रहा है ये, 7 5 कुछ पता नहीं, कुछ लिखा हुआ है कुछ। मिरर भी यहाँ पे टूटा हुआ है, अजीब सा सीन है कुछ। इलेक्ट्रिक मीटर है ये, इसको अगर हम ठीक कर देंगे तो शायद लाइट आ जाएगी। लाइट बोल रहे थे ना, लाइट नहीं है, तो इसको लाइट करके हम लाइट ला सकते हैं, बट तुक्के मारने पड़ेंगे थोड़ा। 1 2 3 4 तो सबसे कॉमन है भाई। इस होल में कुछ डालना है, अच्छा जी। मतलब अच्छी गेम है, मतलब ठीक है, चल चुल नहीं सकते इसमें, लेकिन एक पजल टाइप गेम है तो इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कुछ टाइप के ऑडियंस को अच्छी लगेगी ये गेम। मुझे तो ऐसी गेम्स ज़्यादा पसंद है जिसमें तुम चलते रहो इधर उधर, फिर तुम्हें भागना भूगना हो, ऐसा कुछ हो, और पजल साथ में सॉल्व करते रहो। लेकिन इसमें स्टैटिक है, हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, मतलब हम लोग का फर्स्ट पर्सन व्यू टाइप ऐसा नहीं है, पजल्स हैं बस बहुत सारे। अब मेरे को ये क्यूरियोसिटी है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। पेपर पे चीज़ें लिखी है, उसके बेसिस पे मैं तुक्के मारना स्टार्ट कर रहा हूँ, वही मुझे कुछ ऑप्शन लग रहा है और कुछ लग नहीं रहा इधर। बाकी तो बड़ा अजीब सा क्योंकि ये है, इधर उधर क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग हैपन्स। कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहे हैं कर रहे हैं।
है। द लाइट्स आर ऑन इन हेयर। मे बी यार कुछ हो नहीं रहा, मैं इधर उधर कर रहा हूँ, इस पेपर पे ही लग रहा है मुझे कुछ क्लू है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या क्लू है। पेपर पे ही है कुछ। पाइप्स हैव बीन रिसेंटली रिप्लेस्ड। अरे एक बल्ब मिला इधर, तो ये बल्ब की मदद से भी हम कुछ कर सकते हैं शायद। क्या पता इस मीटर पे लग सकता है ये बल्ब, या कुछ ऐसा कुछ लग रहा है मुझे लाइट का, इसी से पता चलेगा। हाँ तो ये बल्ब तो लग गया, चलो एक चीज़ मिली हमें। अब उसमें कुछ होल में डालने के लिए भी चाहिए ना हमें, तो वो क्या हो सकता है? लीवर लीवर होगा कोई, इनमें से कुछ होगा क्या? लीवर, हाँ तो ये, लेकिन अरे डल गया, लीवर भी डल गया। चलो दो चीज़ें होगी गाइस, लाइट आ जाए बस अब किसी तरह। बट अभी ये कोड तो हमें पता नहीं है, फिर ये कोड का क्या करें अब? कोड का भी तो कुछ मिस्ट्री होगा, या फिर हो जाएगा ये खुद से? कुछ हो नहीं रहा इससे, तो बस मैं ऐसे तुक्के मारे जा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है टाइप करते करते। समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। हाँ क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? सोचो 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 सोचो। फिर है तो क्लू इस पत्ते के अंदर ही, बट क्या है समझ नहीं आ रहा। सोचो सोचो सोचो। फिर कि 9573 95, क्योंकि है 952 में 1 7 1 3, ये टाइप करके देखते हैं क्या पता ये हो। बहुत सारे मैंने ट्राई किए लेकिन हो नहीं रहा, तो 9573 89573 आप करके देखते हैं। ओ भाई इतना इजी था ये, और मैं इतनी देर से माथा पंची कर रहा था इसके लिए। हट चलो कोई ना, दीज वाटर पाइप्स आर इन ऑफुल कंडीशन। अब इन वाटर पाइप्स का भी कुछ सीन है क्या? इनको भी लेना पड़ेगा क्या? मेरे हस्बैंड ब्रोकन आ रही यार, ये तो सेम चीज़ है। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? लेकिन इस रूम से बाहर निकलना है मुझे। मे बी आई कैन यूज़ द आयरन बार टू रिमूव देम। आयरन बार, अच्छा आयरन बार का यूज़ करते हैं ठीक है। तो ये मिल गई हमें पाइप, मिल गई और भी पाइप ले सकते हैं कि ये वाली पाइप भी ले लेते हैं। तो ये भी पाइप मिल गई ठीक है, काम आ जाएगी बाद में। अब फिर से लेकिन हम वहीं हैं अभी, तो हम तो निकले नहीं यहाँ से। इस रूम से बाहर कैसे जाए भाई? लॉकर इज क्लोज्ड। अरे पहुँच गए बाहर, नहीं बाहर का दिख रहा है बस। बाहर का एक ये व्यू है और एक ये व्यू है, सी साइड व्यू कोई भी नहीं है इसमें, सारे बेसमेंट व्यू है। तो अब क्या किया जाए? मैट्रेस का भी कुछ यूज़ है क्या? रेडिएटर इज फॉलिंग। अब भाई अभी तो ठीक नहीं केयर करती है, लाइट तो लगा दी हमने, समझ नहीं आ रहा क्या सीन है अब। हाँ भाई सेम, उसमें लूप में फंस गया अब हम। ऐसे गेम्स में ये चीज़ है भाई, इतना दिमाग का दही हो जाता है ना कि लूप में फंस जाते हो आप। ये फिर से आ गया, मैं वापस इधर कहाँ जाऊँ? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ भाई? अरे सेम यार, ना पागल हो रहा हूँ मैं गाइस, आई एम लूजिंग इट। कुछ तो होगा यार, बट कहाँ से होगा? बाहर जाने का रास्ता कहीं से तो होगा यार, यहाँ कहीं से ही लग रहा है मुझे तो। पाइप हमने रिमूव की, तो कुछ तो पर्पस होगा पाइप रिमूव करने का। ये तो हम बाहर हैं, ये हम खुद बाहर पहुँच गए, पता नहीं मैंने कुछ किया नहीं, खुद पहुंच गए हम लोग बाहर। ठीक है फिर तो बढ़िया है। अब इसको क्रॉस करने के लिए शायद पाइप पुइप चाहिए हो हमें, अगर हम इस पे पाइप पुइप लगाएं तो क्या पता हम इसको क्रॉस कर पाएं। क्या लगता है आप लोगों को, कर सकते हैं शायद, है ना? क्या बोलते हो? बट पाइप,
लग तो नहीं रही, कहाँ से लगेगा यार? इलेक्ट्रिक वायरिंग का तो नहीं कुछ करना है? पाइप 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 लगाएंगे यार, पाइप लगाएंगे, पाइप ये रही हमारे पास, पाइप 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 पाइप। बट काम तो कर नहीं था, तो हम लोग आ गए वापस इस रूम में, खतरनाक रूम में। आ गए भाई, आ गए, करके रहेंगे, लेकिन थोड़ा तो आगे पहुंच के रहेंगे इस गेम में आज। जब पूरा दिमाग खराब हो जाएगा और अटक जाएंगे, तब फिर बाद में खेलेंगे यार। नो गेम इज वर्थ लूजिंग योर पीस ओवर, है कि नहीं? करो बट इतना भी मत खो जाओ कि तुम हर कुछ ही पागल हो जाओ उस गेम में, है कि नहीं? तो ठीक है फिर। ठीक है। ओके, स्टूल को तो छोड़ दिया मैंने उधर, इसको नहीं क्रॉस पार कर पाया मैं अभी तक। क्या ट्राई करूं भाई, इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा था, तब तो भाई लग ही नहीं रही थी ये पाइप। चलो गैस, पाइप लगा के हम लोग पहुंच गए अब नए जगह पे। प्रिजन माइट हैव बीन अ प्रिजन, हो सकता है, अजीब सा तो है। अंडरग्राउंड प्रिजन वैसे एक्चुअली में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? कहीं तोड़ना तो नहीं पड़ेगा कुछ? मे बी आई कैन दे सम स्क्वीज तो उस बार तोड़ना पड़ेगा लगता है कुछ। तोड़ो तोड़ो, कुछ तो तोड़ो। तोड़ने का टाइम आ गया। आ जाओ तोड़ो। यस वेरी गुड, यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। इतने से तो निकल जाने चाहिए भाई, कितना ज़्यादा वेट है क्या? कुछ और तोड़ना पड़ेगा क्या? दूसरी साइड लगा के क्या पता तोड़ना पड़े, तभी दूसरी साइड खुलेगा। ये लग गया, ये यस, थोड़ा और, यस वेरी गुड वेरी गुड, गिव इट अप। अब हम पहुंच के एक बहुत ही क्रीपी लुकिंग तीसरे रूम में, जो समझ नहीं आ रहा क्या है, बट है तो बहुत ही अजीब। तो हमारे पास अब कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं, और ये पता नहीं क्या है, इट इज़ अ मैकेनिज्म विद नंबर व्हील, वन ऑफ देम इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है इसमें, तो क्या पता ऐसे से कुछ खुलता हो। लेकिन बाकी भी मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि क्या सीन है। ये किसी की मूर्ति है, इसके पीछे एक की थी, तो इस की से कोई दरवाज़ा तो खुलना चाहिए भाई। कौन सा दरवाज़ा खुलेगा? एक तो नहीं खुला। बैरल के अंदर इंसान है क्या भाई? बैरल के अंदर इंसान है। हाँ भाई, लाइट बंद जाना प्लीज। जब तक लाइट है फिर इतना डर नहीं लग रहा है, लाइट चली गई तब तो भाई मतलब सीन हो जाएगा। तो एक चाबी से एक रूम खुला है, जहाँ पे बहुत ही क्रीपी सा एक टेडी बियर बैठा हुआ है। चलना मत भाई प्लीज। चाहिए गैस टेडी बियर को? ये पजल तो भाई समझ के बाहर है मेरे। 0 1 2 3 4, क्या है ये? ऐसी पजल आपने कभी ट्राई की है? कमेंट करो। मैंने तो कभी ऐसी पजल नहीं की भाई, है क्या ये? समझ नहीं आया मेरे को। ये टेडी बियर अभी भी मुझे देख रहा है। इसके ऊपर अच्छा, इसके ऊपर एक वो था। ओके 7, 7, 7 का क्या चक्कर है भाई? 7, 7 लिखा होता है ना टेडी बियर का। ओके okay।
सेवन को जोड़ना है क्या कहीं? सेवन है कहाँ इधर? एक उसमें है सेवन। सिक्स सेवन ऐसे करके कर सकता हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। आप लोगों को आ रहे क्या समझ क्या करना है? मुझे तो नहीं आ रहा। सेवन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू फाइव टू सेवन, वन टू, किसी में जीरो है किसी में जीरो नहीं है, तीन में जीरो है, चार क्या सीन है? सेवन तो एक ही में है, बट करना क्या है उसका वो नहीं समझ आ रहा है। वो सॉरी गाइस, मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सीन चल रहा है। ये पेंटिंग है ड्राइंग है बच्चों दे क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। एक सेकंड सोचने दो सोचने दो, नहीं आ रहा समझ। इसको देखते रहने से भी कुछ नहीं हो रहा। कंसंट्रेट इसके अंदर घुस जाता हूँ मैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री टू सेवन फाइव टू फोर, क्या पे सिक्स थ्री, नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो सॉरी भाई लोगों, आज के लिए इतना ही दिमाग पे जोर डालना था मुझे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगली बार खेलने की कोशिश करेंगे।